2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन दिखाई दे रही, और ये शिकन किसी और की नहीं बल्कि हार की है, क्योंकि इन दिनों बीजेपी जिस तरह से हर मुद्दों पर गिर चुकी है उसे पार पाना बीजेपी के लिए आसान साबित नहीं हो रहा है। आपको बता दें, विपक्षी पार्टियां जिस तरह से शिकार करने की कोशिश कर रही हैं और जिस तरह से वो सत्ता पार्टी को अपने निशाने पर ले रही हैं, उससे बीजेपी थोड़ी सी घबरा गई है। लेकिन देखा जाए तो राजनीति में पासा पलटते देर नहीं लगती, और बीजेपी के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह भी खामोश नहीं बैठे, वो भी अपने शिकारियों पर नज़र बनाए हैं और ये देख रहे हैं किस शिकारी को कौन से जाल में बांधा जाए। और देखा जाए तो उन्होंने शिकारियों को जाल में फंसाने के लिए कदम भी उठा लिया है। लेकिन गौर करने वाली बात तो है कि जिस तरह से इस चुनाव पर हर राजनीतिक पार्टी की नज़र है और हर कोई दोनों हाथों से लड्डू खाने की सोच रहा है, लेकिन क्या इनके हाथ लड्डू लगेगा या फिर इन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, तो ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसके हाथ क्या लगेगा। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।